बीकानेर संभाग से बड़ी खबर है। हनुमानगढ़ एसपी राजीव प्रचार दिल्ली डीसीपी स्पेशल प्रतीक्षा के निर्देशन में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 1.5 करोड़ की हेरोइन का मुख्य सप्लायर गिरफ्तार हो चुका है। एसपी प्रचार ने बताया कि नाइजीरियन युवक पीटर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ टाउन थाना अधिकारी वेदपाल की एक अहम भूमिका रही है। हेल्थ वीजा पर आकर नाइजीरियन युवक नशे के सप्लायर यहां पर बन रहे हैं, तो एक विदेशी चेन का खुलासा हो सकता है। लक्ष्मण राघव सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लक्ष्मण, वाकई में बेहद गंभीर विषय भी है, लेकिन एक बड़ी सफलता हाथ लगी, एक बड़ी चेन का खुलासा हो सकता है। देखिए जेपी, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है दरअसल। और हनुमानगढ़ में करीब 1.5 करोड़ की हेरोइन पकड़ी गई थी और हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। उसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही कि मुख्य सप्लायर तक पहुंचा जाए। ये बहुत कम हो पाता है कि मुख्य सप्लायर तक पुलिस पहुंच जाए, खासतौर पर तब जब विदेशी नागरिक इसमें शरीक हो। यहाँ पर निश्चित तौर पर देखिए एसपी हनुमानगढ़ की अहम भूमिका रही। उन्होंने इस पूरे मामले में जिस तरह से निर्देशन किया, उसके बाद डीसीपी स्पेशल जो है दिल्ली प्रतीक्षा, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और उसके बाद जो है नाइजीरियन युवक पीटर को दस्तयाब किया गया है। अगर एक बड़ी चुनौती बन गई है इन दिनों, खासतौर पर जो नाइजीरियन युवक आते हैं वो हेल्थ वीजा पर आते हैं, उसके बाद यहाँ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो इस पूरे मामले में एक कामयाबी कही जा सकती है हनुमानगढ़ पुलिस की, अच्छी कामयाबी कि उन्होंने इस युवक को दस्तयाब किया है। उम्मीद है इनसे जब पूछताछ होगी तो कुछ और चीजें निकलकर सामने आएंगी। लक्ष्मण, क्योंकि कार्रवाई हुई है, सफलता मिली है और आने वाले समय में भी कार्रवाइयां होंगी, लेकिन जिस तरीके से नशा का व्यापक स्तर यहां पर बढ़ता जा रहा है वो टेंशन बढ़ाने वाला है। यानी कि देसी लोग तो थे या विदेशी लोग इसमें शामिल हो गए हैं, अब पीटर यहां पर नाइजीरियन युवक यहां पर पहुंचा हेल्थ वीजा पर, किसने संरक्षण दिया होगा, साथ के लोग कौन थे, क्या ऐसे जो बाहर से नागरिक आते हैं क्या उन पर मॉनिटरिंग की आवश्यकता नहीं महसूस होती यहाँ? निश्चित तौर पर देखिए, ये दिल्ली में ही रह रहा था आप समझ सकते हैं, और वीजा तो मिल सकता है किसी को भी। अब क्या जो हेल्थ वीजा लेकर आए थे, लेकिन यहाँ आकर ये इस तरह गतिविधियों में होते हैं। निश्चित तौर पर देखिए लक्ष्मण, एक बड़ी खबर इसमें ये भी है, एक बड़ा मसला ये भी है। राजीव प्रचार जो की एसपी हनुमानगढ़ से, और हमने उनसे सवाल लेना चाहा, उन्हें पूरी जानकारी दी थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो इस पूरी घटना की, इस खबर की जानकारी ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं होता, कई बार पुलिस जो है ये प्रयास रहता है उनको, इस पूरे मामले में जब तक डिटेल जानकारी ना हो जाए शेयर नहीं करती, वो इस वजह हो सकती है। हमारे सूत्रों से बिल्कुल आधिकारिक खबर है ये कि नाइजीरियन युवक को जो है दस्तयाब कर लिया गया है। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द डिस्क्लोज कर लिया जाए और एक बड़े गैंग का खुलासा भी बहुत जल्द हो। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए। और एसपी राजीव प्रचार जो कि कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि उनसे जब फर्स्ट इंडिया ने सवाल लेना चाहा तब उन्होंने कह दिया कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी नहीं है, या फिर अभी कुछ भी कहना वो नहीं चाहते हैं। देखना होगा कि आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा।